आज हम बात करेंगे स्वामी एंड फ्रेंड्स के चैप्टर नंबर 9 स्कूल ब्रेकअप के बारे में, एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर। तो चलिए आगे चलते हैं एंड बात करते हैं इसके समरी के बारे में। स्वामी फाइनल एग्जाम देने के बाद क्लासरूम से बाहर आता है। वो बाहर वेट करता है, वो परेशान है। अपने एग्जाम को 20 मिनट पहले ही ख़त्म करके बाहर आ गया, जबकि दूसरे स्टूडेंट्स अभी भी अपना पेपर लिखने में लगे हुए हैं। वो एग्ज़ाम पेपर के क्वेश्चंस पर नज़र डालता है, स्पेशली लास्ट क्वेश्चन को लेकर वो बहुत कॉन्फिडेंट है, जिसमें एक मोरल स्टोरी के अंदर टाइगर सोने के बैंगल को देने के बहाने आदमी को बेवकूफ़ बनाकर मार देता है। स्वामी ने एक लाइन में इसका आंसर लिखा, सोने के बैंगल के लालच में किसी की जान चली गई। ये उसका आंसर था। वो स्कूल की दीवार से टिका हुआ खड़ा था। क्लास में से टीचर ने जब बाहर उसे देखा तो वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने का नाटक करने लगा, जब तक कि और क्लास के बच्चे एग्जाम हॉल से बाहर नहीं आ गए। कुछ देर बाद एग्जाम खत्म हो गया और स्वामी की क्लास के कुछ बच्चे बाहर आ गए। स्वामी उनसे पूछता है कि उन्होंने लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर पूरे एक पेज में लिखा। फिर स्वामी ने उनका मजाक उड़ाते हुए राजम और शंकर से पूछा कि उन्होंने कितना बड़ा आंसर लिखा। तो राजम और शंकर ने भी उससे कहा उन्होंने आधे पेज का आंसर लिखा। तब स्वामी झूठ बोलते हुए कहता है कि उसने भी आधा पेज का आंसर लिखा था, जबकि स्वामी ने केवल एक लाइन का आंसर लिखा था। कुछ देर बाद क्लास के सभी बच्चे एग्जाम हॉल के बाहर आ गए। सब एक जगह इकट्ठे हो गए और समर वेकेशंस के बारे में एक्साइटमेंट से बात करने लगे। 15 मिनट के बाद पूरा स्कूल असेंबली हॉल में जमा हुआ, जहां हर कोई हंस रहा था, जोक मार रहा था और टीचर भी स्टूडेंट के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। हेडमास्टर ने फिर एक स्पीच दी और स्कूल के 15 जून को ओपन होने के बारे में बताया और स्टूडेंट्स को वैकेशंस के दौरान पढ़ने के लिए कहा। एक प्रेयर के बाद असेंबली एंड हो गई। प्रेयर के ख़त्म होने पर सारे लड़के पेपर फाड़कर इंक को एक दूसरे के ऊपर फैलाने लगे और जो भी चीज़ उनके सामने आई उसे तोड़ने लगे। स्वामी ने किसी से सुना था कि दुश्मन स्कूल के लास्ट डे पर चाकू मार देते हैं, तो वो डर के मारे मनी के आसपास ही रहा। उसे ये भी पता था कि उसका कोई दुश्मन नहीं है। कुछ देर बाद एक्साइटमेंट और बढ़ गया और तोड़फोड़ तेज हो गई। स्वामी ने भी इंक बॉटल्स को खोलकर खुद के ऊपर डाल लिया और स्कूल के गेट के बाहर बनी ने मजाक में स्कूल के तोड़फोड़ करने वालों को पकड़ने के लिए कहा और स्कूल के पियोन की पगड़ी को रंगने की धमकी दी। पियोन सिंगाराम था। ये सुनकर वो सभी बच्चों के पीछे अपनी छड़ी लेकर दौड़ा और सबको स्कूल के बाहर खदेड़ दिया। सो ये था स्वामी एंड फ्रेंड्स के चैप्टर नंबर 9 स्कूल्स ब्रेकअप का एक्सप्लेनेशन। So thank you very much for joining me and watching this video. Bye-bye and take very good care of you. See you later. Bye-bye.